गलत कप्तान को जेल में रखा हुआ है, बाबर आजम को रख देता तो ज़्यादा बेहतर होता कि अपना कप्तान बाहर होता है। बाबर आजम की पक्की छुट्टी है इस वर्ल्ड कप के बाद, सिर्फ कन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि हमारे पास टेस्ट का कैप्टन कौन होगा, क्योंकि रिजवान की तो इटसेल्फ टेस्ट में अभी जगह ही नहीं है। चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, उम्मीद तो नहीं थी बट अर्ली आउट कर ली है बांग्लादेश ने, रिदा हेनरिक्स बोल्ड किया है जो शरफुल इस्लाम ने, मज़ा आ गया देख के। अतीक क्या ख्याल है तेरे, क्या बनेगा आज के मैच के बारे में? वालेकुम जी, यार अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है तो जारी सी बात है अफ्रीका ही, मैं अफ्रीका के साथ ही जाऊँगा। अफ्रीका के साथ ही? बिल्कुल। मतलब आप भी कह रहे हैं कि अफ्रीका को अपसेट नहीं पड़ सकता आज? बहुत मुश्किल है क्योंकि अफ्रीका ने अगर 300 प्लस कर लिया तो बंगाली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है हाँ तो सारे 140 प्लस हैं तो बहुत मुश्किल है। अफ्रीका नहीं पकड़ा जा रहा बॉयज़, और वैसे भी कैलम ट्रॉफी का मैच चल रहा है फाइनल, उसमें भी जो लीड हो चुकी है वो 570 तक की हो गई है, बट वो भी डिक्लेयर नहीं कर रहे, खाना शाना खा लिया बॉयज़ ने, अब इधर ऊपर गए हैं, छोटा प्रोग्राम, नीचे आते हैं तो पूछते हैं क्या सीन चल रहा है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा और इसके अलावा खेलेगा भी साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल, और वो फिर पाकिस्तान जीतेगा फिर बात, और फाइनल में भी जाएगा, वहाँ जाके अब इसकी मर्जी हारता है जीतता है। ऑफिस में रहना होता तो शायद मैं घर पे कहीं मैच देख रहा था तो मैं रो पड़ता, बिल्कुल तवक्कुआत नहीं थी कि पाकिस्तान किसी भी मोमेंट पे अफगानिस्तान से हार जाएगा, क्योंकि एक तो 275 पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप में चेज़ नहीं होने दिया, और आपने देखा कि रात को 280 चेज़ किया, और अफगानिस्तान इतने इजी मूड में उन्होंने चेज़ किया कि ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन से कि कप्तान जी आप थोड़ी सी शर्म हो या खाएँ, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर आप जिस तरह से ये डिसीज़न ले रहे हैं ना, ये आपका डिसीज़न लेना नहीं बनता है। मसला वाला क्या है अफगान, सबसे जो बड़ा मसला था ना वो ये था कि भाई ये सिंगल नहीं थे रोक पा रहे, अगर ये सिंगल रोकते ना तो ओवर, अच्छा एक चीज और, ओवरऑल हशमतुल्लाह शहीदी को मैंने टूर्नामेंट में देखा, उसको साइड सीरीज में देखा, वो कम से कम 60 बोलने की लेता है, ऐसा ही है, 60 बोलों के बाद भी उसका 30-35 स्कोर होता है, मगर रात को तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था आपको नजर ही नहीं आ रहा कि वो बंदा आपके पास से डबले ले रहा है, सिंगल ले रहा है, और 46 ओवर आपको उसामा मीर को देने की जरूरत क्या है यार, वो 30 बोलों पे 30 चाहिए, 30 बोलों पे 30 चाहिए, उसने वहाँ पे 8 खा गए, 24 बोलों पे 22 छोड़ दिया आपके लिए। वो ना हमारे कैप्टन ने अपनी तरफ से एक बोल्ड सी लेने की कोशिश की थी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ किधर जाऊँ, कैप्टनसी में बहुत ज्यादा लैक्स है, ये तो आपको अब अगले 4 मैच मस्ट जीतने पड़ेंगे, और मुझे कभी भी एक मैच नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे आप अफगानिस्तान से हार गए हैं, पता नहीं आपने कल आगे बांग्लादेश से क्या करना है, अफ्रीका वैसे ही इतना पागल हुआ है, न्यूजीलैंड टॉप की पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, और इंग्लैंड को तो वैसे ही गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप लोग, समय तो, से बाहर है, बस एक चीज़ और है, अभी आपको मैं एक और बात बताऊँ, टॉप स्कोरर में ना, टॉप स्कोरर में 4th नंबर पर हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ, अगर टॉप हारिस रऊफ को इतना को फेंटा पड़ चुका, 285 उसको 5 मैचों में लग गया, खुदा का वास्ता है भाई, उसको कोई अकल दे, 0-150 वीडियो गैप आ गई है उसकी, उसका दिमाग ही खराब हो गया, एक एक पहले ओवर में तू गुरबाज और इब्राहिमजाद ने 17 स्कोर खा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज और बतानी है, लीगों में स्लोअर यूज करता है, इधर इसको अकल नहीं आ रही, भैन जो सर फाड़ना बोल बैट्समैन का दिमाग खराब हुआ है। मुझे ना रात को जब मैच खत्म हो रहा था ना, मैच एंड हो रहा था, मैंने देखा है भाई अपने जो भी यहाँ पे बैठे हुए थे ना, जितने भी लोग, सारे सबके मुंह बने हुए थे, और मेरे यार से स्माइल नहीं थी जा रही, मैं कह रहा था यार मुझे कसम ऐसा ही था, जिस तरह मेरा मुंह बना हुआ था कि यार हम एटलीस्ट इनसे तो नहीं हारते, क्योंकि 280 करके तो नहीं हारते, ये बॉलिंग लाइनअप तो नहीं थी यार, हमसे कितने अरसे के बाद जाके अफगानिस्तान ने अपनी टीम बनाई थी पाकिस्तान से, और वो हमसे ऐसे मैच जीत रहे हैं जैसे आम सी बात है, आम सी, बिल्कुल आम सी बात है, और हम ऐसे देख रहे थे उन्हें कि यार क्या करें, कोई बात करने वाली रह नहीं थी, इजी मूड ब्रो। बहरहाल जी आपके साथ अभी मैच के बाद मुलाकात होगी। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था उसमें पहले एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान ने हार जाना है, क्योंकि वो नज़र आ रहा था बेचारों का कॉन्फिडेंस ही बहुत गिरा हुआ था, फिटनेस कोई नहीं थी, ये सबको नज़र आ रहा है, बॉलिंग हमारी फ्लॉप हुई हुई है, बैटिंग भी फ्लॉप हुई हुई है, डेढ़ खेल रहे थे और कल वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, और अगर मैं टूर्नामेंट आगे भी देखूँ तो मे भी ये सिर्फ अफ्रीका से जीतेंगे, बट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जीत रहे हैं मुश्किल है, और हम ग्रुप में 6th-7th नंबर पे ही फिनिश कर रहे होंगे कहीं पर, तो बस यही है, अगर बाय लक जीत भी जाते हैं, सेमी में पहुंच भी जाते हैं, तो इंडिया से टाकरा होगा और वहाँ पर हम बेस्त होकर बाहर आ जाएंगे,
बाबर आजम की पक्की छुट्टी है इस वर्ल्ड कप के बाद। सिर्फ कन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि हमारे पास टेस्ट का कैप्टन कौन होगा, क्योंकि रिजवान की तो इटसेल्फ टेस्ट में अभी जगह ही नहीं है। तो ओडीआई के जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन नज़र आ रहा है वो रिजवान ही है। शहीन इसलिए ऑप्शन नहीं है कि वो अभी थोड़ा इंजर्ड है, तो अभी उसको 6 माह की तो रेस्ट चाहिए। अगर वो कंटिन्यू करता है अपनी आगे गेम तो ज़्यादा खेलेगा, उसे रेस्ट करनी चाहिए। और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो क्रिकेट का वैसे ही जैसे पाकिस्तान का फ्यूचर, बस अल्लाह ही मान लगा हर शायद।